नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज शुक्रवार रात 9 बजे तक की खास खबरें। आज शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि लॉकडाउन की सख्ती के साथ पालना कराई जाए तथा आटा मिल मालिकों को FCI से गेहूं दिलवाकर इस बात का ध्यान रखा जाए कि कहीं मिल संचालक कालाबाजारी न करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि समाज सेवी संगठनों का भी ध्यान रखा जाए कि वे सैनिटाइजर का उपयोग करें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। श्री गहलोत ने कहा कि खाना बांट रहे संगठनों को क्षेत्र बांट देवें जिसके चलते डबलिंग न हो, और मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य को लेकर अन्य निर्देश भी दिए तथा व्यवस्थाओं बाबत चर्चा के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला कलेक्टर, ADM प्रशासन सहित अन्य अधिकारीगण थे। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में 9 संगठन विभाग द्वारा राशन किट और भोजन का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी राशन बांट रहा है। श्री सोनी ने कहा कि राशन के लिए लोगों को बाजार में न आना पड़े, इसके लिए राशन की मोबाइल वैन शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कल एक वैन शुरू की गई थी जबकि आज 5 और वैन शुरू कर दी गई है। यह वैन लगभग प्रत्येक गली मोहल्ले में जाएगी जहां लोग रुपए देकर राशन ले सकते हैं। COCT इस्माइल खान जानकारी देते हुए बताते हैं कि आज 102 वाहनों का चालान किया गया, वहीं 64 वाहनों को सीज किया गया। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में आज 250 रेडी चालकों को खदेड़ते हुए गली मोहल्ला में भेजा गया। इस्माइल खान ने बताया कि लोगों को कल शनिवार से सब्जी के लिए मंडी में जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें वहां सब्जी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सब्जी की व्यवस्था अब रेडियो के द्वारा गली मोहल्ले में पहुंचेगी। पंजाब में लगे कर्फ्यू के चलते सन्नाटा छाया रहा, वहीं लोग अपने घरों में रहे। कर्फ्यू के दौरान समय में दी गई ढील के चलते लोग घरों से बाहर निकले और देखते ही देखते मेडिकल स्टोर और राशन की दुकानों पर लंबी लाइनें लग गई। कोरोना वायरस के चलते इसके संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं पंजाब सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा है जिसके चलते लोग घरों में बैठे हैं। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को सख्ती के साथ समझाया जा रहा है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।